चलिए अगली बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। बताएं आपको कि सिरसा विधायक एवं एचएलपी सुप्रीमो गोपाल कांडा का बयान सामने आया है। गोपाल कांडा ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। हरियाणा में विपक्ष का वजूद नहीं है, ये कहना है गोपाल कांडा का। इनेलो जेजेपी प्रत्याशियों की जमानत जब्त होगी, ये बयान गोपाल कांडा की तरफ से दिया गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा शैलजा को नहीं पता इंडी गठबंधन से कौन है पीएम का दावेदार। विधायक गोपाल कांडा ने हरियाणा में बीजेपी की जीत का दावा भी कर दिया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी से बेहतर कोई विकल्प ही नहीं है। सिरसा में बुलडोजर बाबा की रैली से एक तरफा माहौल बना है, ये बयान गोपाल कांडा की तरफ से दिया गया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि रामराज के लिए मजबूत नेता का चुनाव बेहद ज्यादा जरूरी है। गोपाल कांडा ने गायिका गीता रबारी के कार्यक्रम को लेकर भी जानकारी दी। सुप्रसिद्ध गायिका गीता रबारी आएंगी सिरसा, ये कहा गोपाल कांडा ने। उन्होंने कहा कल शाम सिरसा में भजन संध्या होगी। इसके साथ ही उन्होंने पीएम मोदी भी गायिका गीता रबारी के फैन है, ये बात कही। उन्होंने कहा कि लोग जो हैं वो बढ़ चढ़कर मतदान करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने आम जनता से अपील भी की कि सभी लोग बढ़ चढ़कर मतदान करें। इसके साथ ही गोपाल कांडा ने कहा कि लोकतंत्र के महापर्व में सभी मतदाता हिस्सा जरूर है। कल भगत सिंह चौक में शाम को 7 बजे गीता बेन राबारी, जो कि अहमदाबाद से अपनी पूरी टीम के साथ आ रही हैं, वो बहुत ही बढ़िया हिंदी, गुजराती, राजस्थानी और भगवान राम के जो भजन उन्होंने गाए हैं, वो पूरा देश ही नहीं, मोदी जी उनके फैन है आज से नहीं, बहुत पहले से। गीता बेन राबारी जी के आप नेट पे कहीं वीडियो पे चेक करोगे तो मोदी जी भी उनके फैन है, पूरा संसार मोदी जी का फैन है। और मोदी जी जिसके फैन हो वो आपके सिरसा में कल आ रहे हैं शाम को, एक मतलब ऐसा प्रोग्राम होगा भगवान राम के भजनों का, और अपनी बात भी रखेंगे हम सभी शहरवासियों के सामने। तो सभी से मेरा निवेदन कि हम उनको सुने, क्योंकि अयोध्या में भगवान रामलला के उस अवसर पर मोदी जी ने उनको बुलाया था और भगवान राम के उन्होंने बहुत भजन गाए हैं और देश के लिए बहुत देशभक्ति के गीत गाए हैं। उन सब से हमें, उन सब गीतों को, भजनों को वो हमें सुनाएंगे। तो पूरे सिरसा वासियों से, भाइयों से, बहनों से मेरा निवेदन कि अहमदाबाद से पूरी टीम कल सिरसा आ रही है शाम को भगत सिंह चौक में, 7 बजे से पहले पहले पहुंच के अपना स्थान ग्रहण करें। जी, आज जो आपने स्कूटी रैली निकाली है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, उससे क्या असर पड़ेगा? देखो, असर की बात तो इंद्र मोहन जी बात की है, पहले तो मैं उन सभी बहनों का, छोटी बच्चियों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद उनको देता हूं कि इतनी भयंकर गर्मी, आज तो मुझे लग रहा है कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा पारा 5-7 दिनों से सिरसा का हाई चल रहा है। लोग कहते हैं इलेक्शन की वजह से चल रहा है या पता नहीं किस वजह से चल रहा है, पर सिरसा का सबसे पारा हाई होने के बावजूद इतनी तादाद में बहनों ने, बच्चियों ने स्कूटी लेकर, ई रिक्शा में, जिनको स्कूटी नहीं चलानी आती वो ई रिक्शा में, मतलब हजारों हजारों की संख्या में आपने देखा 1.5 से 2 किलोमीटर लंबा काफिला। और एक बहुत बड़ी बात है, घरों से निकलना ही बड़ी बात है। आज अपने सामान के लिए इंसान, घर के सामान के लिए सोचता है इतनी गर्मी में कि मैं शाम को या बाद में जाऊंगा, पर अपने देश के लिए, नारी उत्थान के लिए, नारियों के लिए, महिलाओं के लिए जो मोदी जी ने काम किए उस पे आज इन बच्चियों ने, महिलाओं ने मोहर लगा दी कि वाकई ये सब भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के साथ है। मैं इनका दिल से बहुत बहुत शुक्र गुजार हूँ जो इन्होंने इतना साथ दिया आज। अब एनडीए के घटक दल हैं और आपने लगातार अपना दायित्व तो निभाया है, आपको क्या लगता है कि लगातार आपकी कोशिश चल रही है कितनी कामयाब होगी? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हमने जो भी कोशिश की है, चाहे वो आज की स्कूटी रैली की थी या पहले जो रैलियां हुई या गांव में जो मेरे फंक्शन कल रात को भी बाजिका में हुआ, हर गांव में 15 दिन से जो मेरे प्रोग्राम चल रहे हैं, उस सभी लोगों का, एचएलपी को, गोपाल गोविंद को, अपने भाई को, बेटे को, इतना प्यार मान सम्मान हर जगह से मिल रहा है कि हर प्रोग्राम सक्सेस हुआ है। वैसे लोगों ने मन बनाया हुआ है अंदर से कि हम
देश के और धर्म के साथ जाएंगे और मोदी जी को वोट देंगे, क्योंकि जिससे बात करता हूं मैं, ऊपर कौन आएगा प्रधानमंत्री, बोले मोदी जी, तो सबकी सोच बनी हुई है मोदी जी को वोट करें। अंतिम दिन चल रहे हैं चुनाव प्रचार के, बड़ी बात जाए तो अंतिम तीन दिन रह गए हैं, काउंटिंग को भी, वोटिंग को भी 2-5 दिन रह गए, क्या माहौल, क्या लग रहा है? हालांकि पिछले दिन आप रतिया भी गए थे। मैं रतिया भी गया था, मैं आज एलनाबाद भी जा रहा हूँ शाम को, वहां रामलीला ग्राउंड में वहां भी एक प्रोग्राम है, और मेरा रानिया भी प्रोग्राम है, सिरसा भी है, और कालामाली भी गया था। सब जगह उत्साह है, कोई कुछ भी बोले, पर लोगों ने मन बनाया हुआ है, क्योंकि देखो किसी को पता ही नहीं है बाकी पार्टियों में कि देश का प्रधानमंत्री मुखिया कौन बनेगा। जब तक किसी बारात में दूल्हा ना हो तो वो फिर बिना दूल्हे की बारात को, तो आप बताओ कौन बारात बोलता है। आप अपने आप में कुछ भी बोले जाओ, पर किसी को भी नहीं मालूम है कि आज हम किसको वोट करें। यहां तो पता है कि मोदी जी को वोट करें, कि देश आज कितना तरक्की कर रहा है। आज पूरे, अभी मुझे किसी ने कहा कि भाई साहब 15-20 दिन में रशिया से वीजा फ्री होने वाला है, बैंकॉक से फ्री हो गया, रशिया से फ्री होने वाला है, वहां से ये हो गया। ये सब बातें सुनने को हमें कभी नहीं मिलती थी। पूरी दुनिया में जो हिंदुस्तान का डंका बजा है और बज रहा है, वो उसका कारण सिर्फ एक ही है, अच्छी सोच के साथ जो नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं देश के लिए, सिर्फ वही है। भाई साहब मैं तो कहता हूं कि धर्म के नाम पे ही फायदा मिलेगा, और एक तरफ वो बोल के तो गए हैं अभी, एक तरफ तो राम के साथ लोग हैं, एक ये राम के साथी हैं और एक तरफ राम के विद्रोही हैं। तो जो लोग भगवान राम के ही अगेंस्ट हैं, सनातन धर्म के ही अगेंस्ट हैं, उनको हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के अलावा जो आज भी कह रहे हैं, कहीं मैंने सुना राहुल गांधी जी ने कहा कि हमारी सरकार आते ही हम 5,000 करोड़ रुपया पाकिस्तान को देंगे और 50 साल के लिए देंगे, बिना ब्याज पे देंगे। जिनकी सोच ही पाकिस्तानी सोच है, तो हिंदुस्तान के लोग और हिंदुस्तान उनको कैसे कबूल करेगा, कैसे मानेगा अपना? जो भगवान राम के अगेंस्ट हैं, अपने देश के अगेंस्ट हैं, तो कैसे लोग उनको वोट देंगे, आप बताओ। योगी आदित्यनाथ का कल सिरसा दौरा था, भाई साहब मैं तो कल वहां खुद था और आप सब साथी थे, हमने बहुत रैलियां देखी हैं, बहुत रैलियां की हैं, बहुत प्रोग्राम किए हैं, पर कल जितना जोश और जुनून था लोगों में, जितना उत्साह था योगी जी को देखने का, सुनने का, और जो नारे लगा रहे थे कल भी भीषण गर्मी में, तो मतलब उसका कोई मैं सोच नहीं सकता कि इतना उत्साह, इतना जुनून किसी रैली में होता है। तो सिरसा के लोग, धर्म नगरी और उनके संप्रदाय से जुड़े, बाबा सरसाईनाथ जी की नगरी है ये तो, वैसे भी वो खुद कह रहे थे कि मैं तो आके यहाँ धन्य हो गया सिरसा नगरी में। उन्होंने बाबा सरसाईनाथ जी का नाम 5-7 दफा लिया कि बाबा की नगरी है। तो आज सब हम सिरसा की नगरी और सिरसा की इलेक्शन है, जहाँ ऐसे बड़े बड़े संत महात्मा सब हुए हैं, तपस्थली है ये सिरसा, तपो भूमि है, भगवान शंकर की भूमि है। तो उन्होंने अपने भाषण में डेरों का जिक्र किया था, बीजेपी को डेरों से कितना बेनिफिट हुआ? नहीं, उन्होंने अपने भाषण में ये जरूर कहा होगा कि डेरों के डेरे हैं यहाँ, वो तो सबको ही पता है हमें, ये संतों की, गुरुओं की, डेरों की भूमि है। मुझे तो लग रहा है कि लगभग सारे प्रमुख जो भी डेरे हैं, उनके प्रमुख मतलब जो भी हैं, वो सब यही हैं, सिरसा और आसपास के इलाके में है। तो ये संत महात्माओं की नगरी है। देखो वहां से फायदा, क्योंकि जब कोई आदमी धर्म के साथ जुड़ा होता है, गुरुओं के साथ जुड़ा होता है, डेरों के साथ जुड़ा होता है, तो उसका मतलब वो धार्मिक व्यक्ति है, सनातन धर्म को मानने वाला व्यक्ति है। और सनातन धर्म को मानने वाले व्यक्ति को आज ये सरकार सोचती है कि वो अगर हमारा साथ नहीं देगा तो क्या कोई और हमारा साथ देगा उसके अलावा। तो इसलिए फर्ज बन जाता है आदमी का कि जिसके लिए आज मोदी जी लड़ रहे हैं, योगी जी लड़ रहे हैं, तो हमें उनके साथ होना चाहिए। सर 25 मई को लेकर कोई निष्पक्ष मतदान हो, ऐसे को फील करना चाहिए? 5 चरणों के मतदान भी हो चुके हैं और उसमें 40% कम रहा है, आप क्या अपील? देखो मैं सबसे पहले तो मेरी सभी बच्चियों से, बहनों से, माताओं से और मेरे भाइयों से ये अपील करूंगा कि 25 तारीख को गर्मी बहुत ज्यादा चल रही है, सुबह सुबह जितनी जल्दी हो सके महिलाएं अपना काम फारिग करके जल्दी से जल्दी मतदान दान कहते हैं ना, कि बहुत कीमती है मतदान अपना ये, और देश के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए सुबह सुबह महिलाएं जितनी जल्दी घर से निकलें
तैयार होकर, बिना तैयार होकर और अपना मतदान करें और ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान करें, क्योंकि अपने को अपने देश का भविष्य बनाना है। तो सभी से मेरी यही अपील है कि 25 तारीख को ज्यादा से ज्यादा यहां से वोटिंग हो। जी, तुम्हारी शैलजा का दावा है कि 25 मई बीजेपी गई, बीजेपी का जो कमल का फूल है उसको खाट कर फेंक देंगे, तो आपकी मजबूती तब तक बरकरार रहेगी? देखो, मैं तो सिर्फ एक ही बात कह रहा हूँ, 25 मई बीजेपी गई, ठीक है ना, आई, ये नारे तो कितने तो इन्होंने बना रखे हैं, कितने उन्होंने बना रखे हैं। पर शैलजा जी से ये पूछ के बता दो, प्रधानमंत्री कौन बनेगा? आप इतने साथियों, बोला कभी उन्होंने कहीं किसी स्पीच में कि देश का प्रधानमंत्री ये बनेगा? क्यों गुमराह कर रही हैं सिरसा के लोगों को, मेरे को समझ नहीं आ रहा। खुद कह रही हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनना चाहती हूं और अभी ये लड़ाई है, फिर लड़ाई और होगी। मतलब आप 4 महीने के बाद में इस्तीफा देकर फिर आप हमें इलेक्शन में झोंक दोगे, तो आप पहले इलेक्शन लड़ी क्यों रहे हो? जब आपकी सोच ही कुछ और है तो आपको इलेक्शन लड़ना ही नहीं चाहिए। तो ये कह रही कि पहले सरकार बनाएंगे, फिर बनाएंगे। किसकी सरकार बनाएंगे? तो इंडी की सरकार में, वो इंडी की तो गिंडी गोल है, ठीक है, कुछ नहीं है भैया, गुमराह कर रहे हैं। जब प्रधानमंत्री का नाम तक नहीं है, बाद में लड़ाई होगी। पहले आपको पता है नेहरू जी के साथ में कौन थे, दो टुकड़े हुए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान बना, और अब ये 20-25 हैं। क्या देश को 20-25 टुकड़ों में हम चाहेंगे बटे? हमारा हिंदुस्तान कोई भी नहीं चाहेगा, इसीलिए वो 400 पार का नारा है जो कामयाब होगा। सिरसा के अंदर आप एक के बाद शक्ति प्रदर्शन के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, कैसे देखते, कितना बैकफुट जा रही है कांग्रेस इस वजह से? महाराज, किसी के साथ कुछ होता है तो वो करता है, किसी के पास कुछ होता ही नहीं तो क्या करेगा? कुछ होगा तो करेंगे, कुछ है ही नहीं तो क्या करेंगे? वो उनको पता है कि कोई एक आध प्रोग्राम बड़ी मुश्किल से कर लेंगे तो अच्छी बात है, पर जब तक क्या है कि लोग साथ नहीं होते, बातें बातें करने वाले लोग जो उनके साथ जो घूम रहे हैं वो यहाँ के वोटर नहीं है, वोटर हैं तो वो वोट डालने जाएंगे नहीं। जिन्होंने वोट देना है, जिन लोगों के काम हुए हैं, जिन लोगों के काम हो रहे हैं, जिनको सरकार से हर तरह का फायदा मिल रहा है, जो वोटर हैं वो जाएंगे वोट डालने। अभय सिंह चौटाला ने एक बयान दिया कि हमारी शैलजा चुनाव नहीं लड़ना चाह रही थी, उन्होंने एक इंटरनल सर्वे करवाया था जिसमें वो 1.5 लाख हार गई थी, लेकिन हुड्डा ने चक्रव्यूह रच के उनको यहाँ साथ। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, वो तो आपस की बात, वो तो हुड्डा को, शैलजा को, उनको उनको लड़वाने वाली बातें करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हरियाणा में आप कांग्रेस सहित दूसरे विपक्षी दल हैं, नेहरू की बीजेपी, इनकी स्थिति को आप कैसे देखते हैं? इनकी स्थिति से सब वाकिफ हैं भाई साहब, और मैं तो कई बार बोल चुका हूँ कि 10 की 10 सीटों पे जेजेपी की और 10 की 10 पे नेहरू की जमानत जब्त, और ये जमानत जब्त हमेशा के लिए ही है, काम खत्म।